उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया है कि सालाना विकास दर के मामले में बांग्लादेश भी भारत से बेहतर है। कौशिक बसु का मानना है कि भारत अपने लिए गलत प्राथमिकताएं चुनने के चलते इस स्थिति में पहुंचा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम, अपनारा केमन आसेन, आशा करू सबाई भलो आसेन, आमी जुनेद, अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल, आमी अपनादर जुनो आगती वीडियो प्ले करती जर्ची सबाई देखबिन, आशा करू सबाई देखबिन भलो लगबे। आज बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी हो या भारतीय मीडिया, हर बार ये बात की जाती है कि बांग्लादेश श्रीलंका जैसे हालात पैदा कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बांग्लादेश के अंदर गुर्बत बढ़ रही है, बांग्लादेश के हालात आने वाले टाइम पे श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं, लेकिन भारत की क्या सिचुएशन है, भारत की क्या हालत है। आज भारतीय मीडिया ने एक्सप्लेन कर दिया कि हम कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं, भारत के अंदर महंगाई कितनी बढ़ रही है, GDP कितनी तेज़ी के साथ कम हो रही है, नरेंद्र मोदी अपनी पॉलिसियों की वजह से फेल हो रहे हैं भारत के अंदर। एक टाइम वो था कि बांग्लादेश को ये ताना दिया जाता था कि बांग्लादेश गरीब होता जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बांग्लादेश के हालात श्रीलंका जैसे हो रहे हैं, बांग्लादेश की GDP क्रैश कर जाएगी, बांग्लादेश की मईशत तबाह हो जाएगी, ये दावा किया जा रहा था। लेकिन आज भारत की क्या हालत है वो कभी नहीं बताई गई, लेकिन आज देखें भारतीय मीडिया क्या दावा कर रहा है कि भारत आज किस सिचुएशन में है और भारत से बेहतर हालात में बांग्लादेश है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। देश में लोग अर्थव्यवस्था के सुधरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है तो वहीं दूसरी तरफ GDP नीचे जा रही है। इस हालात को लेकर जनता बेहद चिंतित है। वहीं दूसरी तरफ विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भी भारत की सालाना विकास दर को लेकर चिंता जाहिर की है। यहाँ तक कि उन्होंने वो आंकड़ा पेश किया जो देश के लिए शर्मनाक है। मोदी सरकार दावा कर रही थी कि महामारी के दौर के बाद देश की स्थिति बदलेगी, लेकिन लगातार खराब हो रहे देश के हालात सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। रेटिंग एजेंसियां भी GDP के घटने का अनुमान लगा रही हैं। वहीं विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने भी भारत की सालाना विकास दर को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया है कि सालाना विकास दर के मामले में बांग्लादेश भी भारत से बेहतर है। कौशिक बसु का मानना है कि भारत अपने लिए गलत प्राथमिकताएं चुनने के चलते इस स्थिति में पहुंचा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। 2020 और 22 में वार्षिक वृद्धि दर 0.8% है, ये चीन वियतनाम सहित कई देशों से कम है। भारत के पास आगे बढ़ने की अच्छी ताकत है, लेकिन ये प्राथमिकताओं के गलत होने का परिणाम है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी बसु ने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए आक्रामक राष्ट्रवाद रुकावट है। अब जहाँ एक तरफ विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री देश की स्थिति पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसियां भी टेंशन बढ़ा रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ रेट के 8% के बजाय 7.5% रह जाने की आशंका जाहिर की है। यह आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश की दशा खराब होती जा रही है। इसे लेकर सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि भारत की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। IMF भी अब ये इतराफ़ कर रहा है कि भारत की गलत पॉलिसियों की वजह से भारत की GDP कम हो रही है, भारत की ग्रोथ कम हो रही है, भारत की मईशत डाउन जा रही है। और ये बात भी की कि हिंदुस्तान की हालत से बेहतर बांग्लादेश की GDP चल रही है, बांग्लादेश की हालत बेहतर है भारत की निस्बत। और ये भारतीय मीडिया हर बार दावा करता था कि बांग्लादेश की मईशत डाउन जा रही है, बांग्लादेश की मईशत आय क्रैश करने जा रही है, बांग्लादेश के अंदर महंगाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है और आने वाले टाइम पे बांग्लादेश को कंपेयर श्रीलंका के साथ किया जा रहा था कि बांग्लादेश के हालात श्रीलंका जैसे हो रहे हैं, बांग्लादेश की हालत श्रीलंका जैसी हो रही है। लेकिन आज भारतीय मीडिया का ये दावा है कि IMF की रिपोर्ट आने के बाद अब ये खुलासा हुआ है कि भारत की गलत पॉलिसियों की वजह से नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिसी है वो ही गलत है जो वो बना रहे हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है और मुल्क जो है वो डाउन जा रहा है। और ये बात की गई है कि बांग्लादेश भी भारत से बेहतर चल रहा है, तो ये बांग्लादेश के लिए एक बेहतरी का साइन है और भारत के लिए तंजली का। लेकिन जो भारतीय मीडिया दावा करता है वो सरासर झूठ होता है, लेकिन आज भारत की असल हालत भारतीय मीडिया ही खुद बता रहा है।
तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।